हेलो फ्रेंड्स, हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ लिया था। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन पढ़ लिए। आज हम एम्ब्रियो सैक के बारे में या ओव्यूल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हमने देखा कि किस प्रकार से प्लेसेंटा पर ओव्यूल्स ओरिएंटेड या विन्यासित रहते हैं। तो आखिर ये ओव्यूल है क्या, कैसा होता है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ओव्यूल स्ट्रक्चर। सभी वीडियोज, सभी लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक भी लेक्चर आपने मिस किया तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए सभी लेक्चर पूरी तरह से देखने की कोशिश करें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओव्यूल स्ट्रक्चर। ओव्यूल स्ट्रक्चर, ओव्यूल की संरचना। ओव्यूल को हिंदी में बीजांड कहते हैं और यही बीजांड बाद में, यानी कि आफ्टर निषेचन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले एक अच्छा डायग्राम कि आखिर ओव्यूल है क्या, किस प्रकार का होता है, ये हम देखें। तो ये होता है न्यूसेलस, पहले फर्स्ट ऑफ, उसके बाद इस तरह से। इस पर जब हम ज्यादातर जो बात करते हैं ओव्यूल की संरचना की या ओव्यूल स्ट्रक्चर की, वो हम एनाट्रोपस की बात करते हैं। इससे हम प्रत्येक बीजांड भी कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, क्योंकि लगभग 82% एंजियोस्पर्म फैमिलीज के अंदर यही ओव्यूल पाया जाता है। तो इसलिए हम एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करेंगे। तो एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर इस संरचना में द्विअध्यावर्णी बीजांड होता है। एक तो ये अध्यावर्ण इंट्रिग्यूमेंट और सेकेंड इंट्रिग्यूमेंट ये, इस तरह से। ये तो इसमें ये है बाहर की तरफ है, तो इसको हम कहेंगे आउटर इंटीग्यूमेंट या बाहरी अध्यावरण। ये अंदर की तरफ है इसलिए इसको कहेंगे हम इनर इंटीग्यूमेंट, भीतरी अध्यावरण। दिस इज इनर इंटीग्यूमेंट। तो देखो, बीजांड के ऊपर कई अध्यावरण हो सकते हैं, ये बिना अध्यावरण के भी हो सकता है, इसके ऊपर कई अध्यावरण भी हो सकते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें एक भी अध्यावरण नहीं पाया जाता है,
जिन्हें हम अध्यावरण रहित बीजांड कहते हैं। तो देखो जैसे अध्यावरण के आधार पर ये एटैग्मिक अध्यावरण रहित एटैग्मिक ओव्यूल, तो ज्यादातर आवृतविधि पादपों में लॉरेंथेसी और बेलेनोफोरेसी दो कुल हैं। एक कुल है लॉरेंथेसी और एक है बेलेनोफोरेसी। इन दोनों कुलों के जो पादप है ये परजीवी पादप हैं, आवृतविधि परजीवी पादप हैं। तो इनके अंदर किसी प्रकार का ओव्यूल के ऊपर अध्यावरण या इंटीग्यूमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं एटैग्मिक ओव्यूल। दिस इज एटैग्मिक ओव्यूल। सेकंड इज यूनिटैग्मिक, एक अध्यावरणी यूनिटैग्मिक एक अध्यावरणी। तो ये यूनिटैग्मिक में केवल एक अध्यावरण पाया जाता है। तो एक अध्यावरण यहां जितने भी जिम्नोस्पर्म है उन सभी के अंदर एक अध्यावरण होता है। ऑल जिम्नोस्पर्म ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में आया था कि जिम्नोस्पर्म क्या एक अध्यावरणी या जिम्नोस्पर्म के अंदर किस प्रकार के अध्यावरण होते हैं, यूनिटैग्मिक। उसके बाद गैमेटोफिटली के जितने भी सदस्य हैं, गैमेटोफिटली के जो क्लास है गैमेटोफिटली जिसमें फ्यूज्ड पेटल्स होते हैं उसके जितने भी सदस्य हैं उन सभी के अंदर भी यूनिटैग्मिक ओव्यूल पाया जाता है। उसके बाद नंबर तीन, नंबर थर्ड इज दी बाईटैग्मिक द्वि अध्यावरणी। तो द्वि अध्यावरणी जितने भी मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, मोस्टली जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर बाईटैग्मिक प्रकार का या पॉलीपेटली के जो सदस्य हैं उन सभी के अंदर बाईटैग्मिक प्रकार का बीजांड पाया जाता है। उसके बाद नंबर फोर इज ट्राईटैग्मिक त्रि अध्यावरणी। देखो अगर क्वेश्चन आता है कि द्विबीजपत्री पादपों में या एंजियोस्पर्म पादपों में किस प्रकार का बीजांडकाय किस प्रकार के अध्यावरण वाला बीजांडकाय होता है, तो वो है बीजांड होता है तो वो है हमारा बाईटैग्मिक। जितने भी ज्यादातर मोस्टली जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उन सब के अंदर दो अध्यावरण पाए जाते हैं। जैसे ये बना हुआ है आउटर इंटीग्यूमेंट इनर इंटीग्यूमेंट, और यूनिटैग्मिक गैमेटोफिटली के सदस्य में होता है तो गैमेटोफिटली खुद एक एंजियोस्पर्म है। उसके बाद ट्राईटैग्मिक कुछ ज्यादा प्लांट्स में नहीं होता, जैसे एस्फोडिलस इसको हम प्याजा भी कहते हैं, ये खरपतवार प्लांट है जो गेहूं और सरसों के समय इनकी खरीफ में फसली पादपों के साथ होता है और ये लिलियेसी कुल का सदस्य होता है। तो एस्फोडिलस में बीजांड के ऊपर तीन अध्यावरण होते हैं। उसके बाद लीची इसमें एरिल खाने वाला भाग होता है
लीची यही एक प्लांट है जिसका हिंदी अंग्रेजी और बॉटनिकल नेम सब समान है लीची। उसके बाद एक है जंगल जलेबी पिथे सिलोबियम, डल से। तो ये एक प्लांट है जंगल जलेबी पिथे सिलोबियम डल से, इसके अंदर भी तीन अध्यावरण पाए जाते हैं। तो इसके जो बीजांड है वो ट्राई टेक्निक है। तो दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बॉटनिकल एग्जाम। ये हमने देख लिया कि भाई आउटर इंट्रिगुमेंट होता है, इनर इंट्रिगुमेंट होता है। ये वो स्थान है बीजांड में जिस जगह पर इंट्रिगुमेंट नहीं होता, यानी कि अध्यावरण नहीं होता। इस स्थान को हम नाम देते हैं दिस इज माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, दिस इज बीजांड द्वार। इस जगह पर किसी प्रकार का कोई अध्यावरण नहीं होता है। इसे ये बीजांड ग्रंथ, अंग्रेजी में कहेंगे इसको फ्यूनिकल, दिस इज बीजांड ग्रंथ, जिसके द्वारा बीजांड जुड़ा होता है। एक्चुअली अगर हम देखें तो एक बीजांड, अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स पढ़ेंगे, तो देखो वास्तव में जो सीधा बीजांड होता है, ये प्रतीक बीजांड है, जो सीधा बीजांड होता है इसको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, वो इस तरह से होता है, ऐसे है तो बाई टेग्यू की है तो बाई टेग्यू की ही, लेकिन इस तरह से होता है ऐसे। तो इसमें ये बीजांड ग्रंथ है, इसमें ये बीजांड ग्रंथ है। तो आप देख रहे हैं बीजांड के द्वारा ही, बीजांड ग्रंथ के द्वारा ही तो बीजांड जुड़ा हुआ है। भाई कोई चीज खड़ी है तो उसके नीचे ग्रंथ होगा बॉटनी के अंदर, तो ये बीजांड ग्रंथ है, ये बीजांड ग्रंथ है। और जो इसमें घूम के नीचे की तरफ आ गया है, ये घूम के नीचे की तरफ आ गया है और बीजांड ग्रंथ की लंबाई थोड़ी सी आगे तक चली गई है, जो एक अन्य संरचना जिसे हम कहते हैं राफे, राफे का निर्माण करता है, दिस इज राफे। दिस इज राफे। ये बीजांड ग्रंथ जब उल्टा हो गया है इसके अंदर, तो इसमें थोड़ा सा आगे तक चला गया है, वृद्धि हो गई है इसकी, इसको हम कहते हैं राफे। जिस जगह पर बीजांड का मुख्य भाग ग्रंथ से जुड़ा होता है, जैसे यहां पर जुड़ा हुआ है, जिस जगह पर बीजांड का मुख्य भाग बीजांड ग्रंथ से जुड़ा होता है उसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं, दिस इज नाभिका और हाइलम। ये कोई इतने इंपॉर्टेंट भाग नहीं है। उसके बाद देखो यहां इस बीजांड ग्रंथ के ऊपर कुछ इस जगह पर कुछ ब्रशनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। इन ब्रशनुमा संरचनाओं का नाम है ऑब्ट्यूरेटर, दिस इज ऑब्ट्यूरेटर, ऑब्ट्यूरेटर। इसमें दो भाग हैं। इस बीजांड को अगर हम देखते हैं तो इसमें दो भाग होते हैं, एक भाग होता है ऊपर की ओर और एक भाग होता है नीचे की ओर। अभी मैंने बनाया था ऑर्थोट्रोपस बीजांड, इसमें ये भाग ऊपर चला गया था और ये भाग नीचे था, तो इस भाग को हम कहेंगे बेसल, आधारीय भाग, और ये भाग है शीर्ष भाग, तो इसको हम कहते हैं बेसल पार्ट, बेसल पार्ट या बेसल रीजन, और इसका नाम होता है यहां चैलेजा, निभाग। तो आधारीय भाग जो है वो निभाग ये छोड़ होता है, एक
होता है निभागी शोर शैलेजल एंड, एक होता है माइक्रो पाइलर एंड या बीजाणु द्वार। ये सरा दो ध्रुव है, अगर देखा जाए दो सिरे हैं इसके अंदर, एक तो बीजाणु द्वार की ओर है, एक है निभाग की ओर। तो निभाग की ओर है उसको हम निभागी सिरा, और जो बीजाणु द्वार की ओर है उसको हम बीजाणु द्वारीय सिरा कहते हैं। उसके बाद इस जगह पर देखो, यहां ये जो बीजाणु द्वार सॉरी बीजाणु अध्यावरण जो आ रहा है, तो कभी कभी इसकी वृद्धि यहां हो जाती है, ऐसे जो आउटर इंट्रीग्यूमेंट है उसकी भी हो जाती है, और कभी कभी जो इनर इंट्रीग्यूमेंट है उसकी वृद्धि भी देखी जाती है। तो कभी कभी इनकी वृद्धि भी हो जाती है। तो ये जो वृद्धि वाला जो क्षेत्र है, जिसको आप देखेंगे, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं इसको, ये वाला क्षेत्र, ये दोनों बाहर की तरफ जो है वो आउटर इंट्रीग्यूमेंट से है, और जो भीतर की तरफ जो रेड कलर से है वो इनर इंट्रीग्यूमेंट से है। आपको क्लियर दिख रहा होगा, इस भाग को जो बाहर की तरफ से है, ये इसे हम कहते हैं एक्सोस्टोम, और जो अंदर की तरफ से है रेड वाला, ये इसको हम कहते हैं एंडोस्टोम। ये दो क्षेत्र इसके अंदर पाए जाते हैं, एक का नाम है एक्सोस्टोम और एक का नाम है एंडोस्टोम। अब हम इसको वापस से उसी फॉन्ट पर ले आते हैं। अब इसमें देखें तो माइक्रो पाइलर एंड हो गया, चैलेंजर एंड हो गया। अगर वो इसमें अंदर की तरफ, यहां ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका नाम होता है बीजाणुकाय या न्यू सेलस। दिस इज न्यू सेलस बीजाणुकाय। अभी हम आगे जानकारी लेंगे। तो बीजाणुकाय जो होता है, शुरुआत में बीजाणुकाय एक मृदुतक की तरह होता है, और इस बीजाणुकाय में यानी कि इस मृदुतक में एक सेल जिसको हम कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, वो अन्य कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है, ठीक यहां, और जीवद्रव्य गाढ़ा हो जाता है, केंद्रक बड़ा हो जाता है, उसको हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगा स्पोर मदर सेल कहते हैं। और वो मेगा स्पोर मदर सेल फिर मियोसिस के द्वारा चार बीजाणु या चार गुरु बीजाणु बनाती है, जिनमें से तीन मर जाते हैं, केवल एक ही गुरु बीजाणु बनता है, और वही गुरु बीजाणु फिर अंडकोशिका यानी कि भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अंडकोशिका नहीं, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अब उस एक कोशिका से ही यहां पर आठ कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें तीन कोशिकाएं तो ऊपर की तरफ होती है, यहां तीन कोशिकाएं नीचे की तरफ होती है। तो देखो ऊपर की तरफ भी तीन कोशिका, एक कोशिका दूसरी कोशिका और ये तीसरी कोशिका। इन तीनों कोशिकाओं में इनका निर्माण जो कि मियोसिस से हुआ था, यानी कि उस कोशिका से हुआ जिसके अंदर एगुणित क्रोमोसोम है, तो ये सब कोशिकाएं एगुणित होती है, और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं एंटीपोडल, प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल्स। तीन है इसलिए एंटीपोडल सेल, और ये प्लॉयडी में अगर देखा जाए तो एन होती है।
उसके बाद नीचे की तरफ आए यहां बीजांड द्वारीय स्नेपर, तो बीजांड द्वारीय स्नेपर भी दो सेल्स, एक सेल ये और एक सेल ये दो सेल जिन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड होती हैं। इन कोशिकाओं के बिल्कुल ऊपर की तरफ यहां यहां एक एक होती है एग सेल, दिस इज एग। तो ये जो सिनर्जिड है ये दोनों, एक ये और एक ये, इनको हम कहते हैं सिनर्जिड। सिनर्जिड्स सहायक कोशिकाएं, इसे हम कहेंगे एग सेल या एग, और इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं एक ही नाम एग एपरेटस, एक ही नाम है एग एपरेटस, एग एपरेटस सिंगल नेम एग एपरेटस। उसके बाद अगर आप और आगे चलें तो यहां पर दो सेल होती है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। यहां ध्यान रहे भाई, सिनर्जिड भी एग होती है, एग भी एग होता है। ये दोनों सेल जो अलग अलग ध्रुवों से आती हैं, तो इन सेल्स को नाम दिया जाता है पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक। क्या नाम देते हैं इसको? ध्रुवीय केंद्रक। इसमें जो चैलेंजल है इधर चैलेंजा की तरफ, यहां कुछ गद्दीनुमा संरचना पाई जाती है इस तरह से। इस गद्दीनुमा संरचना का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोस्टेस, इसे कहेंगे हम हाइपोस्टेस। ऐसी ही एक संरचना इस जगह पर पाई जाती है, यहां इस संरचना का नाम होता है एपिस्टेस, इस संरचना का नाम होता है एपिस्टेस। ये सभी संरचनाएं जो इसके अंदर दिखाई गई हैं, ये सब ऐसे के ऐसे ही होती हैं। एक बार मैं जूम कर देता हूं जिससे आपको सभी संरचनाएं सही तरह से नजर आ जाएं। जो यहां पर है वो उसी जगह पर आपको नजर आ जाए, इस तरह से। तो एक संरचना और है जिसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, तो वो फिलीफॉर्म अपरेटस आपको यहां देखने को मिलेगा इस इन सहायक सेल्स के अंदर, यहां इनमें, इसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। और ये भी अगर देखा जाए तो एग अपरेटस का भाग होता है, इसका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस। तो इस फिलीफॉर्म एपरेटस से होकर ही जो पराग नलिका है वो इसके अंदर प्रवेश करती है। तो ये डायग्राम ओव्यूल का, ओव्यूल मतलब एनाट्रोपस, जो प्रतीप बीजांड है उसका डायग्राम है। इसमें हमने बाहर की तरफ देख लिया कि ये आउटर इंट्यूगमेंट है, ये इनर इंट्यूगमेंट है। उसके बाद यहां देखिए ये एंडोस्टोम एक्सोस्टोम। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एम्ब्रियो सैक। तो अब तक हमने ये सब पढ़ा है, तो यहां से लेकर यहां से, यहां से लेकर ये जो लाइन हो रही है, ये वाली लाइन, इसके अंदर जो 8 सेल्स हैं इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक।
अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो सब इसी के लिए पढ़ रहे थे। तो अध्यावरण युक्त जो गुरु बीजाणुधानी है, इसको हम गुरु बीजाणुधानी कहेंगे, मेगा स्पोरेंजियम। तो अध्यावरण युक्त जो गुरु बीजाणुधानी है उसे हम ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ओव्यूल तो पूरी संरचना है, इसके अंदर एक भ्रूण कोष है, और भ्रूण कोष है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर दो सेल्स नीचे सहायक कोशिका एक अंड कोशिका होती है, बीच में दो सेल्स पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक, उसके बाद तीन सेल्स ऊपर की तरफ एंटीपोडल्स होती हैं। तो इतनी सेल्स, अब इसमें देखिए मेन चीज है अपनी ये कि एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई ये सारी जितनी एंटीपोडल्स हैं या सिनर्जिड्स हैं ये सब नष्ट हो जाएंगी, इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, इस एग सेल के साथ जब परागकण जो आते हैं पराग नलिका से होकर वर्तिकाग्र पर परागण होता है, इससे वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और वर्तिकाग्र से वर्तिका के अंदर होकर एक पराग नलिका चलती है जिसमें होकर के दो नलयुग्मक आते हैं, अभी हम आगे इसी तरह देखेंगे। उनमें से एक नलयुग्मक तो बनता है, जुड़ता है अंड कोशिका से जिससे बन जाता है युग्मनज जायगोट, और एक जो नलयुग्मक है वो जुड़ता है इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से और ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक। और ये 2N तो ये हैं भाई, ये भी N होती हैं दोनों, ये भी N है और ये भी N है, ये भी N है, ये भी N है, ये भी N है। ठीक है, ये सब N है भ्रूण कोष के अंदर, ध्यान रहे, चाहे वो सहायक कोशिका है, चाहे वो अंड कोशिका है, चाहे वो ध्रुवीय केंद्रक है, चाहे वो प्रतिमुखी सेल है, ये सब N है। बाकी सभी संरचनाएं जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी संरचनाएं 2N होती है, चाहे वो न्यूसेरस हो, चाहे वो बीजाणु ग्रंत हो, चाहे वो बीजाणु द्वार हो, चाहे वो चेलेजा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सब 2N होता है, केवल इन तीनों को छोड़कर ये सब N होते हैं। कभी कभार क्या है कि क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, सीधा सीधा नहीं पूछा जाता, हमको पता है कि भाई अंड कोशिका तो ए होती है, सब जानते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पूछेगा वो प्रतिमुखी कोशिकाओं की प्लॉयडी क्या होती है, यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाओं या एंटीपोडल्स के अंदर कैसे क्रोमोसोम होते हैं, एन या टू एन, अब कंफ्यूज रहेंगे आप, क्योंकि अंड कोशिका का पढ़ा है हमने कि एन होती है, लेकिन प्रतिमुखी सेल का और सहायक कोशिका का नहीं पढ़ा कि टू एन होती है या एन होती है। ऐसे ही ध्रुवीय केंद्रक का नहीं पढ़ा कि ध्रुवीय केंद्रक एन होता है या टू एन होता है, तो ये दोनों ध्रुव से आते हैं इसलिए एन होते हैं। अगर हम ये कहेंगे केंद्रीय सेल एन होती है या टू एन होती है, कुछ समय बाद ये दोनों केंद्रक मिल जाते हैं और ये सेंट्रल सेल बनाते हैं। तो वो सेंट्रल सेल जो टू एन है, सेंट्रल सेल टू एन हो जाती है। तो क्वेश्चन वाले पूछ रहे हैं कि केंद्रीय कोशिका में क्रोमोसोम की प्लॉयडी क्या होती है, तो यहां पर ये 2N होता है, ये N होता है, ये 2N एन एन केंद्र सेल में 2N हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियस N रहेगा, अंड कोशिका N, सहायक कोशिका N, बाकी अन्य सब 2N होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर ओव्यूल स्ट्रक्चर। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे ओव्यूल के डेवलपमेंट की एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। इसमें हम ज्यादा कुछ है नहीं वैसे, पर लेकिन जब बात चलती है तो फिर सब पढ़ना पड़ता है। इसमें बीजाणु ग्रंथ के बारे में देख ही लिया कि बीजाणु ग्रंथ होता है, अध्यावरण के बारे में पढ़ ही लिया, एक बीजाणु काय संरचना दे रही है इसके अंदर, देखिए हम पढ़ ही लेते हैं, नया लेक्चर बनाने से क्या फायदा। और देखो एक न्यू सेलस के बारे में हम बात करते हैं, न्यू सेलस हिंदी में इसको हम बीजाणु काय कहते हैं, बीजाणु काय।
देखो एक मिनट इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि जैसे ये एक बीजांडिका है इस तरह से, ठीक, इसमें सब ये मृदुतक होता है, सब मृदुतक होता है इस तरह से। तो बीजांड बीजांडिकाई के आधार पर दो प्रकार का है, एक तो है तनु बीजांडिकाई और एक है स्थूल बीजांडिकाई। तो देखो अगर मान लो मैं ये कहूं कि जो ये एपिडर्मिस है, बाहरी से मतलब बाहरी त्वचा एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस है, तो मैं ये कहूं कि भाई जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो यहां पर है, ये समझो इस जगह पर, इस जगह पर, तो इसे हम कहते हैं तनु बीजांडिकाई। क्या कहते हैं इसको हम? तनु बीजांडिकाई। तो इसे मैं कहूंगा तनु बीजांडिकाई। और यदि मैं कहूं कि भाई जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो यहां पर है, अंदर है, तो उसे हम कहेंगे स्थूल बीजांडिकाई। उसे क्या कहेंगे हम? स्थूल बीजांडिकाई। तनु बीजांडिकाई और स्थूल बीजांडिकाई। तो तनु बीजांडिकाई में जो प्रसूत कोशिका या जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो ऊपर होती है, तो ये गैमोपेटली के सदस्यों में पाए जाते हैं। तो गैमोपेटली के अंदर तनु बीजांडिकाई होते हैं, और इस प्रकार के जो बीजांड है वो एक अध्यावरणी होते हैं। उसके बाद जो ये बीच वाले हैं, इसको हम कहते हैं ये अंदर की तरफ होती है, तो इसे हम कहते हैं स्थूल बीजांडिकाई, और ये द्वि अध्यावरणी त्रि अध्यावरणी टाइप के होते हैं। उसके बाद ये जो बीजांडिकाय बना हुआ है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए एक बार, एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत अच्छा बनता है। ये बीजांडिकाय जो बना हुआ है इसे हम न्यू सेलस कह रहे हैं, न्यू सेलस। इसका काम होता है कि अंदर की तरफ जो भ्रूणकोश डेवलप हो रहा है, जो भ्रूणकोश डेवलप हो रहा है, इस भ्रूणकोश को पोषण देना, यानी कि ये इसको भोजन देता है। बात ही आती है भाई, ये जो अंडशय और ये सब बढ़ रही है ये कोशिका, तो ये कोशिका बढ़ कैसे रही है, इनको भोजन दे कौन रहा है? तो इनको यहां पर भोजन देता है बीजांडिका। तो बीजांडिका की जो सेल्स होती हैं, ये लगातार टूटती रहती हैं, और टूटने के बाद अपने जीव द्रव्य से इनका पोषण करती हैं, तो ये बढ़ जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। कुल मिलाकर के बात ये कि भ्रूण कोश के कंप्लीट डेवलपमेंट तक, इनके पूर्ण परिवर्तन होने तक लगभग बीजांडिकाय समाप्त हो जाता है। लेकिन एक कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये कुल है पाइपरेसी। इस कुल के अंदर इसमें ब्लैक पेपर आता है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। इस ब्लैक पेपर में या काली मिर्च के अंदर कुछ बीजांडिकाय की पतली परत भ्रूण कोश के चारों तरफ रह जाती है, जिसे हम पेरी स्पर्म कहते हैं, पेरी स्पर्म कहते हैं, परिभ्रूण कोश हिंदी में कहेंगे परिभ्रूण कोश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये भ्रूण कोश से अलग तरीके से डेवलप होता है। भ्रूण कोश का निर्माण तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन इसका निर्माण बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। और बिफोर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है कि भ्रूण बीजांडिकाय की कुछ पत्र, मतलब बीजांडिकाय की पतली परत भ्रूण कोश के चारों तरफ फैल जाती है, तो उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म या परिभ्रूण कोश। और ये पाई जाती है पाई परेसी कुल के ब्लैक पेपर, इसका एग्जांपल है काली मिर्च। मोस्टली इसका उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन नहीं होता है तो फिर रह जाती है, बाकी सबके अंदर इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इस बीजांडिकाय जो तनु बीजांडिकाय जो बीजांडिकाय होते हैं या बीजांड होते हैं, तनु बीजांडिकाय जो ओव्यूल्स होते हैं उनमें
एक अध्यावरणी हमने बताया था, एक अध्यावरणी परत होती है कि एक अध्यावरण पाया जाता है। बीजांडकाय तुरंत अपघटित होने लगता है, बीजांडकाय जो होता है वो तुरंत ही अपघटित होने लगता है और भ्रूण कोष को पोषण प्रदान करने के लिए भ्रूण कोष को देखो, इसमें बीजांडकाय जो है वो एक अध्यावरणी है, ठीक है। तो बीजांडकाय जल्दी ही अपघटित होने के बाद इस भ्रूण कोष को पोषण दे देता है, लेकिन इसकी पूर्ति नहीं हो पाती तो ये सेल्स कम है, इसलिए इसको पोषण देने के लिए अध्यावरण की भीतरी अध्यावरण की जो सेल्स होती हैं वो विशिष्टीकृत हो जाती हैं पोषण देने के लिए। तो विशिष्टीकृत होने के बाद जो एक वर्ड सामने आता है उसे हम कहते हैं एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। तो इसे हम कहते हैं एंडोथीलियम। दोबारा देखिए एक बार कि तनु बीजांडकाय यानी गेहूं पेटी के सदस्यों में एक अध्यावरणी बीजांड होता है, उसके बीजांडकाय की सेल्स शीघ्र ही अपघटित होने लगती हैं और इसको पोषण देती हैं, लेकिन पोषण की पूर्ति नहीं हो पाती यानी कि जल्दी ही टूट जाती है, वो सेल्स खत्म हो जाती है, इसका पूरा डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। तो इसलिए अध्यावरण की भीतरी जो सेल्स होती हैं वो कुछ विशिष्टीकृत हो जाती हैं, यानी कि इनको पोषण प्रदान करने के लिए वो सेल्स विशिष्टीकृत हो जाती हैं, इसलिए इन सेल्स को हम कहते हैं एंडोथीलियम, या इसे हम एक नाम और देते हैं इंटीग्यूमेंटिक या अध्यावरणी टेपिटम, या टेग्मिक टेपिटम या अध्यावरणी टेपिटम भी कहते हैं, इंटीग्यूमेंट्री टेपिटम, इंटीग्यूमेंटरी टेपिटम भी कहते हैं। उसके बाद देखो यहां एक फिलीफॉर्म ऑपरेटस ये है, तो देखो ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो है वो पराल नलिका को सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश करने में सहायता करता है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस यानी कि जो भी सेल, जो भी पराल नलिका इस जगह पर आई, देखिए बात ध्यान रखिए कि पराल नलिका का बीजांड में प्रवेश हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से होता है, चेलेजल एंड से कभी नहीं होगा। मतलब प्रवेश बीजांड में प्रवेश तो कहीं से हो सकता है, लेकिन भ्रूण कोष में प्रवेश माइक्रोपाइल से होगा, यह बात ध्यान रखना। बीजांड में प्रवेश तो ये कहीं से भी कर सकती है, लेकिन भ्रूण कोष में जो प्रवेश होगा वो हमेशा बीजांड द्वार से होगा। तो बीजांड द्वार की तरफ जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस है वो पराग नलिका को रास्ता दिखा देता है। ऐसे ही यहां ये दो गद्दीनुमा संरचनाएं जो एक ऊपर की ओर भी है और कुछ नीचे की तरफ भी है, इन्हें हम हाइपोस्टेस और एपिस्टेस कहते हैं। इनका कोई खास इतना ज्यादा काम है नहीं, बाकी यही है कि ये जो हाइपोस्टेस है ये बीजांड व्रंथ को बीजांड में धसने से रोकती है, कि अगर ये ना हो तो शायद बीजांड जो है वो, सॉरी, जो बीजांड व्रंथ जो है वो बीजांड के अंदर चला जाएगा। तो ये हाइपोस्टेस एपिस्टेस का एक कार्य, हाइपोस्टेस जो है वो बीजांड व्रंथ को बीजांड में अंदर तक जाने से रोक देती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक नई कल हम पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स एंड ओव्यूल डेवलपमेंट, कि किस प्रकार से ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।